सीधे हैं बिल्कुल, पे मैं बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करता इस वाली मैच पे कि चेन्स चारों टायर्स पे आसानी से लगाई जा सकेंगी जो वेल्डिंग विंच के लोड में। तो जी हमने कर दिया है गाड़ी में सस्पेंशन अपग्रेड, आज उसकी कर रहे हैं टेस्टिंग, अभी फ्रंट में बम्पर नहीं लगा है। सो वैसे ही टेस्ट करने आए हैं, थोड़े पेंट शेंट किए नीचे जो जगहों में लग गया था, अब देख रहे हैं जरा गाड़ी कैसे बिहेव कर रही है इन जगहों पे। पूरा फुस 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 करके चल रही है वैसे तो, गड्ढे में जाएंगे। शब्द ये है जी, पहली बार गाड़ी चला रहा हूँ लिफ्ट के बाद में, और जो हमारा जो मेन मकसद है वो ये है कि गाड़ी लोड के हिसाब से जैसे मेरी वेट काफ़ी ज़्यादा है आगे पीछे, तो जगह चाहिए थी, जगह मिल जाए, उसके अलावा एब्जॉर्प्शन बढ़िया रहे और बॉडी लोड कम हो जाए। लो लो लो, ना ये गलत चढ़ी है, अब
अब इसमें गगन भाई कितना बढ़ गया अपना पीछे वाला आर्टिकुलेशन भाई, ये ना अभी भी पूरा नहीं हो रहा है। एक्चुअली इसकी लिमिट अभी भी टिका हुआ है, 11 इंच होती है इसकी ना। ओके बट ये गाड़ी नीची है ना, तो ये अभी आपकी मान लो कि 9 इंच तक गई है। अच्छा, तो और बढ़ सकता है, 2-3 इंच और जा सकती है जब ये लिफ्ट होती है ना। बट इसके लिए परफेक्ट है, मेन है इजी फ्लेक्स था ये। नहीं सही है, बहुत बहुत कुछ मिलता है यार ग्राउंड क्लीयरेंस बढ़िया से। जब देखो आपकी ये नीचे माउंट है ना, ये उधर मिट्टी में टच होके निकला था, और नीचे होती तो ये टिक भी सकती। हाँ, टिक सकती थी, बिल्कुल टिक सकती थी। पीछे से वो भी बढ़ गए ना, अप्रोच डिपार्चर एंगल बढ़ गए इसके। बट मेन है अब जो वेट के हिसाब से एब्जॉर्प्शन कैसे है ना। नहीं सही है यार, आप ओरिजिनल चलाते थे, अभी इधर देखो इतना सा भी इसने ऐसे नहीं किया। हाँ ये तो है ही, और स्वे भी घट गया ना। और अभी जो हम चला रहे हैं ना, मतलब इन जगहों पे स्टॉक गाड़ी टच होती है, ये गाड़ी टच नहीं हो रही तो इसकी कैपेबिलिटी वैसे ही बढ़ गई। आर्टिकल फ्लेक्स वाली जगह पे चला रहे थे, वहां पे हिल जाती है थोड़ी, ये कैसे कंट्रोल्ड वे में आ रही थी। सही बात है, और नहीं तो इस पे भी यार कहीं टच नहीं हुई चढ़ने में बिल्कुल भी। और क्या चाहिए ये, हम मतलब वैसे तो बेतुकी बात है जो हम कर रहे हैं, बट इससे हमें पता लग रहा है गाड़ी क्या कर सकती है। और नहीं तो इस इतने खिंचाव पे तो हो जाता है काम, काम हो जाता है। ये सीधा है बिल्कुल ये वाला, अब ये तो एंगल पे है ना। हाँ। ये देखो आर्म का एंगल अलग है, अब आप सीधे पे एक्सल का एंगल देखो एकदम। अभी देखते हैं, लो मैं उतारता हूँ। अब देखो एक्सल्स के एंगल, एक्सल सीधे हैं बिल्कुल। बस और क्या, सही है आर्म्स का एंगल दोनों, तभी मतलब स्टेबिलिटी तो तभी आएगी ना। आर्म्स भी परफेक्ट है, 1 इंच के आसपास जगह बची हुई अंदर। थोड़े से टायर बाहर निकल आए हैं, अदरवाइज तो सब ठीक ठाक है। आप चेसी देखो, मतलब अपने लिए चेसी देखो कि डू वी नीड टू लिफ्ट फ्रॉम बिहाइंड फॉर योर यूज, और ये अभी परफेक्ट जैसे चल रही है, ये अभी के हिसाब से तो ठीक है बिल्कुल। बस ये है कि टेंट वगैरह जब रखा जाएगा ना, और सामान भी भरा जाएगा इसमें, तो उस टाइम पे फिर हमारा स्टांस क्या रहता है वो उसके अकॉर्डिंग फिर हम पीछे का चेंज कर सकते हैं कुछ, क्योंकि देखो कॉइल्स तो परफेक्ट काम कर रही है इसकी, रोड पे भी गड्ढों में भी, बट हमें वही स्पेसिंग से खेलना पड़ेगा जो आपको चाहिए। तो भाई अभी चला के आई गाड़ी, डिफरेंस तो आया है, और गाड़ी काफी कैपेबिलिटी बढ़ गई है उसकी इस वजह से। ये सामने अश्विन की गाड़ी खड़ी है, इसमें भी यही वाली किट लगी है, और अब हम यही देख रहे हैं कि कितना थोड़ा मोड़ा इसको लाइक ट्यूनिंग करनी है, कुछ चेंजेस करने हैं, क्योंकि ये फ्रंट से इसको यू नो लेवल करा जा सकता है, डाउन करना है थोड़ा सा पीछे वेट के हिसाब से, या थोड़ा सा यू नो फ्लैट रखना है, तो वो चीज़ें करी जा सकती हैं, वी कैन डू दैट। उससे क्या रहेगा, विंच का वेट जो है उसकी वजह से गाड़ी को परेशानी नहीं होगी, सैग नहीं होगी गाड़ी, और हैवी ड्यूटी है शॉकर्स, काफ़ी हैवी शॉकर्स हैं, तो चीज़ें मैनेज होंगी ढंग से। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सीधा अब एकदम से यू नो वर्ल्ड क्लास गाड़ियों से टक्कर लेने लगेगी, बट हाँ मेरे पर्पस के हिसाब से ये और ज़्यादा केपेबल हो जाएगी। अभी जगह बनेगी, चेन्स चारों टायर्स पर आसानी से लगाई जा सकेंगी, जो कि फ्रंट में जगह ही नहीं थी। मैं एक्चुअली बम्पर भी चेंज कर रहा हूँ आगे वाला, क्योंकि जगह नहीं बन पा रही थी उसके लिए, अपना चेन्स के लिए जगह नहीं बनती थी, वो टच हो रहे थे बम्पर जो फ्रंट में स्टॉक वाला था, तो मैं फाइबर का बम्पर लगा रहा हूँ, वो सामने रखा हुआ है पूरा, और इसके अंदर अब विंड सेटअप कर देंगे, एंड हमारी गाड़ी फिर हो जाएगी तैयार। फिर देखते आज या कल में मैं इसको पिक कर लूँगा, फिर उसके बाद में ट्रिप पे निकलने करते हैं प्लानिंग।
अब हम करेंगे विंच प्लेट चेंज और नया वाला बम्पर लगाएंगे उसके हिसाब से। उस दिन की ऑफ रोडिंग है खत्म हो नहीं रही है अब तक। ये भी खोल ले एक बार, नहीं तो पहले ये तो हटेगी ना। हाँ प्लेट तो उतरनी है, ये सब हटा दे बम्पर के जो माउंट है। ये अपनी जो ग्रिल है ना ये ABS वाली मंगाई है, तो हमने ग्रिल में से निकाल दी है मैश क्योंकि पिछली बार ओवर हीटिंग का इशू था इसमें। तो ये वो मैश है, इस पे मैं बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करता इस वाली मैश पे कि होल्स बहुत छोटे हैं इसके। तो जी अब कुछ ऐसी दिखेगी, रेडिएटर वगैरह अंदर से दिखेगा। तो अगर हमें बड़ी मैश मिलती है तो हम चेंज कर देंगे, अदरवाइज ऐसे ही चलाना पड़ेगा। रेडिएटर साफ जल्दी करना पड़ा करेगा। पर ये भी बात है जो एक्चुअली यूज करता है ना वही डरता है, क्योंकि ये देख के वीक लग रहा है कि ये इतना कमजोर है टूट जाएगा। ये हमने मंगाया था सामान बाहर से, थोड़ा सा ये वाली प्लेट वीक है थोड़ी सी, तो इसमें हम फिर से एक बार ही वेल्डिंग मारेंगे क्योंकि ये वेल्डिंग विंच के लोड पे खुल सकती है। अच्छा इस पे लगी लगाई पे वेल्ड कर देंगे ना। नाप के ना, इतने नाप ऐसे दो दो किलोमीटर से।